दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। आज के दिन अडानी ग्रुप को लेकर काफी बड़ी अपडेट समय आते हुए देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग इन्वेस्टमेंट रिसर्च की तरफ से आज के दिन एक और बड़ा ट्वीट आते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों के अंदर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन समय देखने को मिल रहा है। और सेबी की तरफ से अडानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर अगेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। लास्ट वीक में हमें देखने को मिला था कि अडानी ग्रुप को एसएम लिस्ट यानी कि एडिशनल सर्विलेंस के अंदर से बाहर कर दिया गया था, लेकिन आज के दिन जैसे ही हिंडनबर्ग की तरफ से ट्वीट निकल कर आता है, उसके बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों को वापिस सेबी ने एसएम लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया है। क्या है कंप्लीट न्यूज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो आज के दिन अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी के बाद में एनडीटीवी, अडानी विलमार और अल्ट्राटेक सीमेंट यानी कि ACC के अंदर हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन इनके साथ ही अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, अडानी इंटरप्राइजेज जो कि अडानी ग्रुप के फ्लैगशिप कंपनी है और अडानी पावर, इन चारों कंपनियों के अंदर हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कि न्यूज क्या निकल कर आ रही है। सबसे पहले यहां पर हिंडनबर्ग इन्वेस्टमेंट रिसर्च की तरफ से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं आफ्टर अडानी रिसर्च हिंडनबर्ग टू रिलीज अनदर बिग रिपोर्ट। 46 मिनट्स पहले ये अपडेट समय देखने को मिल रही है। बल्कि अगर ये ट्वीट की बात करें, ये जो हिंडनबर्ग का ट्वीट है ये हमें 13 आवर्स पहले यानी कि मार्केट ओपन होने के पहले देखने को मिल चुका था, जिसके चलते आज के दिन अडानी ग्रुप की ऑलमोस्ट 4 कंपनियों के अंदर हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कही है, न्यू रिपोर्ट ऑन अनदर बिग वन। तो यहां पर जैसे ये ट्वीट निकल कर आता है, अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर अगेन वॉलिटिलिटी क्रिएट हो जाती है और अगेन यहां पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो बिग रिपोर्ट है ये कब आने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्राइडे के दिन बॉन्ड्स के अंदर हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कर सकता है और वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है, जिस कारण से कल का दिन अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में अडानी पावर का नाम भी बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर सेबी की तरफ से अगेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। आपको पता होगा लास्ट वीक में अडानी पावर, अडानी विलमार को जो एसएम लिस्ट की शॉर्ट टर्म लिस्ट थी उससे कंप्लीटली एग्जिट कर दिया गया था। लेकिन आज के दिन अगर आप BSE पर जाएंगे और अडानी पावर को सर्च करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि अडानी पावर अभी आपको एसएम लिस्ट की शॉर्ट टर्म लिस्ट की स्टेज वन में देखने को मिल रहा है, यानी कि सेबी ने वापस से अडानी पावर को एसएम लिस्ट के अंदर डाल दिया है, यानी कि वापस से यहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी सेबी को अभी भी यहां पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन का केस लग रहा है, जिस कारण से सेबी यहां पर अभी भी जांच कर रहा है, जिसके चलते आज के दिन अगर आप अडानी पावर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग 204 रुपए की थी, आज के दिन शेयर के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर शेयर के अंदर एक हाई भी देखने को मिलता है अच्छा खासा 211 रुपए का। लेकिन उसके बाद में जो क्लोजिंग निकल कर आ रही है वो हमें अगेन 1.3% की नेगेटिव ही देखने को मिल रही है। हालांकि वॉल्यूम बेस्ड काम की बात करें तो अडानी पावर के अंदर आज के दिन भी वॉल्यूम बेस्ड काम काफी अच्छा चल रहा है, ऑलमोस्ट 1,46,00,000 क्वांटिटी आज के दिन भी अडानी पावर के अंदर ट्रेड हुई है, जिसमें अगर आप ऑर्डर बुक में देखेंगे तो ऑर्डर बुक में भी काफी अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सारी चीजें अच्छी है, लेकिन हिंडनबर्ग की तरफ से जो यहां पर बिग रिपोर्ट कमिंग सून की जो ट्वीट निकल कर आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग की तरफ से आने वाली है ये अगेन अडानी ग्रुप को रिप्लाई है, यानी कि अडानी ग्रुप के ऊपर अगेन रिपोर्ट यहां पर आने वाली है, या फिर US के किसी बैंक के ऊपर आने वाली है, या फिर किसी और कॉरपोरेट्स ग्रुप्स के ऊपर या किसी और कॉरपोरेट्स एंटिटी के ऊपर आने वाली है। तो अभी के टाइम पर आपको हिंडनबर्ग के नेक्स्ट मूव का यानी कि नेक्स्ट स्टेप का वेट एंड वॉच करना होगा। तब तक के लिए आप अडानी ग्रुप से थोड़ी सी दूरी बनाकर रख सकते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पोजीशंस को होल्ड करिए, पैनिक नहीं लेना है और यहां पर सारी चीजों पर नजर बनाए रखनी है। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।